चिंता ना करो, द्वापर में मैं आऊंगा तो तुम सब मेरी पत्नी बनोगे। वही ऋषि जितने थे, ऋषि मुनि आदि तप तपस्वी नारी नर सब क्या बने, गोपिका बन गए। ये प्रभु का अवतार हमें सिखाता है, हमें क्या करना है, मर्यादित रहना है। कैसी मर्यादा? राम के राज्य में क्या था? आज सब लोग कहते हैं राम राज्य राम राज्य, वहां पर सत्यता थी, मर्यादा थी, बड़ों का सम्मान था, माता पिता भी संस्कारी थे और संतानी थी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग आचरण छोड़ रहे हैं और चरण पकड़ना सीख रहे हैं। भैया ये काम हो जाएगा सोच करवा दो, ये क्या है चरण पकड़ना, आचरणों को छोड़ दिया, विद्या को त्याग दिया। पहले लोग विद्या इसलिए ग्रहण करते थे कि समाज आज कुछ दे सके, अपने जीवन को आनंदित बना सके, और आज लोग विद्या केवल इसलिए ग्रहण करते हैं कि धन कमा सके, और उसी विद्या को ही ग्रहण करते हैं जिससे धन कमाया जा सके। समाज में रहना, समाज में उठना, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई विद्या नहीं, केवल धन कमाने की। कलयुग है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे ना बचा हो, सभी छुए हुए। परंतु तुलसी बाबा ने फिर भी आसान करा, ना कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हो क्या, प्रभु का नाम तो ले सकते हो। कलयुग केवल नाम सुने रे सुने रे, केवल नाम मात्र से ही कल्याण है। प्रभु का कीर्तन संकीर्तन करते हैं और उसके बाद परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की ओर से प्रभु श्री राम के श्रीमन नारायण नारायण।